इस पुलिया को बनाने वाले ठेकेदार को 100 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए, क्योंकि साहब ने इतनी मजबूत पुलिया बनाई जो मामूली बारिश भी नहीं झेल पाई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दरअसल बालाघाट में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लामता के पास सलंग टोला में पुल का हिस्सा बह गया, साथ ही बचे हुए हिस्सों में जगह जगह दरारें आ चुकी है। जब इस मामले में एमपी तक ने मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के सहायक महाप्रबंधक दीपक आड़े से बात की तो उन्होंने पुलिया का हिस्सा बहने की वजह तालाब को बताया है। उनका कहना है कि ज्यादा बारिश के चलते तालाब फूट गया था, जिसके कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे 2 दिन में ठीक कर दिया जाएगा। बता दें कि इन दिनों एमपी में कई जिलों में बारिश हो रही है। इंदौर में तेज बारिश हो रही है तो वहीं रायसेन, नर्मदापुरम, खरगोन, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, हरदा और बैतूल जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें छिंदवाड़ा, सिवनी, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर और खरगोन जिले शामिल है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते अभी आगे कुछ और दिनों तक प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। बालाघाट से अतुल वैद्य की रिपोर्ट, एमपी तक।